बच्चों क्लास 12 मैथ एंट्री ईआरटी एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2 नाइन्थ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल थीटा बिलोंग टू 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंटरवल दिया गया है आपको, आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो बेटा, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जितना आएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कर लीजिएगा, सिंपल है। तो अगर ये बताओ कि अगर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, भाई क्लोज इंटरवल लगा हुआ है 0 से π/2, तो ये बताओ 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान यहाँ पर थीटा बराबर 0 पर कॉस थीटा कितना होगा, 1 बोलो, और थीटा बराबर 90 पर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 है ना। तो ये बताओ कि यहाँ थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक मान जो है एक शून्य से एक के बीच में आएगा, अब शून्य से एक के बीच में या शून्य से लेकर के एक तक, कहाँ 0 से लेकर के इसका जो मान होगा 0 से लेकर के एक तक, ठीक है। फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 कॉस थीटा बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन एक से ज्यादा हो नहीं सकता, आपको पता है इसका रेंज। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये पूरा, देखिए, तो 4 माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, भाई मैक्सिमम 1 होगा ना इसकी वैल्यू, तो 4 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 3, तो 3 तो 0 से बड़ा है ही। फिर अगर हम 2 प्लस कॉस थीटा की बात करें, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो फंक्शन y, इसको एफ एक्स भी कह सकते हैं या फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है भाई। अगर ध्यान दो, पहले ध्यान दीजिए, अगर यहां ओपन इंटरवल कर दिया होता तो ये थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 0 छूट जाता, तब जो वैल्यू आती वो 0 से बड़ी हो जाती। अगर यहां पर ओपन इंटरवल किया होता तो 0 π/2 को छोड़ देते, तो वैल्यू जो आती 0 और 1 के बीच में आती, तो वैल्यू क्या आती 0 और 1 के बीच में आती। तो यहां लगातार ये बढ़ ही रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता, निरंतर वर्धमान हो जाता। लेकिन क्लोज इंटरवल में 0 भी ले लिया है, π/2 भी लिया है, इसलिए एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, केवल इंक्रीजिंग होगा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 π/2। प्रूव हुआ,
पोज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 लिखना भूल गए थे, 9 ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है। कराग प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान है इन ओपन इंटरवल 0 to infinity, 0 के आगे इन्फिनिटी तक। यानी अगर हम यह मान, अगर एक फंक्शन हम लेट कर लें, लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 चाहे जो हो जाए 1 से बड़ी होगी। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, 1/x होगा। और अगर एक्स का मान 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर होगा ना भैया, पॉजिटिव नंबर होगा, बोलो भाई, 0 से बड़ा ले रहा है। अब कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो तो 1 आएगा, 2 ले लोगे तो 1/2 आएगा, 3 ले लोगे तो 1/3 आएगा, 4 ले लोगे तो 1/4 आएगा। ये सब के सब इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है। जब केवल इक्वल टू 0 तो है नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो है नहीं। अगर ग्रेटर देन आर ऐसे होता तो केवल इंक्रीजिंग था, लेकिन ये क्लियर है कि ग्रेटर देन 0 है, यहाँ एक्स की वैल्यू ही 0 से बड़ी है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से बड़ी होगी। हेंस भाई पूरा लिख डालो क्वेश्चन का, लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 infinity, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही लिख डालो, ठीक, नोट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रूव दैट फंक्शन 11 की 12, अच्छा हम 12 ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, मैं 12 देख लिया था, फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1, 1, ठीक है। अब देखो माइनस ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, इसी के बीच में आएगा -1/2 इधर भी आएगा, +1/2 इधर भी आएगा, एक नंबर ले रहा हूं, ठीक। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालता हूं, तो 2x-1, तो एफ डैश -1/2 लेता हूं, -1/2 -1/2, रेंज जरा फिर से देख लूं भाई, स्ट्रिक्टली की बात कह रहा, -1 क्या होगा, -1 -1 दैट्स व्हाट, -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -2 है, -2 0 से छोटा है बाबू, मतलब एफ डैश -1/2 इज लेस देन 0, -2 1 0 छोटा है ना, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1, 1, ओके, इसी तरह से कर लो। अगर +1/2 लेते हैं, जरा देखो पहले,
ये आप गैस यानी ये आप गैस 1/2 लेता हूं तो क्या आता है जरा देखो पहले 2 × 1/2 − 1 तो 1 − 1 बराबर 0 हुआ। ध्यान दो बराबर 0 हुआ तो अब 0 के जब बराबर हुआ जब 0 के बराबर हो गया तो हाँ स्ट्रिक्टली शब्द तो हट गया स्ट्रिक्टली शब्द तो हट गया बाबू। यहाँ कह रहा है कि न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ 1/2 पर 1/2 पर ये 0 आ रहा है हाउ कैन यू से दैट कैसे कह सकते हैं बोलो। अच्छा चलो भाई हम 1/4 लेता हूं चलो एफ डैश 1/4 बराबर 2 × 1/4 − 1 तो 1/2 − 1 − 1/2 बोलो। अब −1/2 लेस देन 0 है फिर क्या आ रहा है −1/2 भी तो 0 से छोटा है फिर आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें कह रहा है कि नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना तो ये तो है ठीक है। तो अब 1/2 को क्या आ गया 0 आ गया क्या आ गया 0। तो अब जरा देखो कि −1/2 पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 पर अब क्या आ गया फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है न तो डिक्रीज कर रहा है ठीक है। हमको 1 लेना नहीं है हमको 1 लेना नहीं है 1 से बड़ा लेना नहीं है तो ये तो ये डिक्रीजिंग ये तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। भाई अब देखो पहले ये 2x − 1 है और इसकी वैल्यू −1 से 1 के बीच में लेनी है इसको भी छोड़ देना है इसको भी छोड़ देना है और एफ डैश एक्स का मान क्या आया 2x − 1। अब इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू रखोगे कि पॉजिटिव नंबर आ जाए जरा बताओ तो कुछ भी रखोगे यहां पर एक से छोटा कुछ भी रखोगे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/7। अब देखो एफ डैश 1/7 ले लिया ध्यान तो 2 × 1/7 −1 2/7 −1 क्या हो जाएगा बराबर −5/7। तो इसलिए इंक्रीजिंग का मान ये इंक्रीज फंक्शन को इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहीं पर लिख दो यहीं पर लिख दिया जाए कि भाई 1 को क्रॉस नहीं कर सकते 1 को क्रॉस करते तो यदि 2 लेते तो 2 × 4 − 1 = 3 आता ठीक ना। 1 को क्रॉस करना नहीं है हमको बाउंड कर दिया है ठीक है। हेंस यानी को अब तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी तो नहीं हुआ ये बोलो भाई क्योंकि एफ डैश 1/2 पर 0 आ रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होता जब हमेशा एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता बात समझ रहे हैं ना। और इंक्रीजिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है इंक्रीजिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है हेंस वही पूरा लिख लो फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन −1/1 लिख दो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर
आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ध्यान दो ये कहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए फिर से। ऑल पॉजिटिव एड शुरू बता दिया था आपको, ए सी टी एस, ठीक है। तो कौन कौन सा इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पहला दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, पहला मतलब ए दिया हुआ है एफ एक्स बराबर का कॉस एक्स, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स ना, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है फॉर ओपन इंटरवल 0 to π/2, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो भाई, बोलो भाई, ये पॉजिटिव अगर नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते, लेकिन जब साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव नंबर होता है लेस देन जीरो होता है, हेंस एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, हेंस फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो, बिटवीन 0 and π/2, ठीक है। दूसरा हम बी लेता है, बी दिया है एफ एक्स बराबर कॉस टू एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस टू एक्स, चलो भाई यह भी सेम ऐसे ही है, सेम वैसे ही है, एक ही तरह एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स इंटू टू, मतलब माइनस टू साइन टू एक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेम लिखिए ऐसे ही, जैसे यहां पर लिखा हूं सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर इतना, सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। बी सी सी कॉस थ्री एक्स है, यह भी वैसे ही होगा, ठीक है, केवल यहां तक आने के बाद एफ डैश एक्स आने के बाद यही चीज ये सब में लिख देना है, इतनी चीज, ठीक है, यही ए में भी लिखना है, बी में भी लिखना है और सी में भी लिखना है, ठीक, नोट करें इसको, डी बता दें, सी बता दें आपको, सी तो हो गया आपका, डी नोट करें प्लीज, मैं भी हटाऊं तो मिटाऊंगा तुरंत, चल यहां पर डी एफ एक्स बराबर टैन एक्स, टैन एक्स एफ डैश एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, जरा दूसरा देखते हैं, करके देखते हैं दूसरा वाला, अभी उनको कुछ आंसर देखा तो कुछ गड़बड़ी आ रही थी, चल माइनस टू एक्स है, तो साइन एक्स जो है इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव फॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 π/2। अब साइन टू एक्स देखता हूं, साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करो 0 से π, टू एक्स हो गया ना, इसमें भी टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटरवल में 0 से π। अब जरा जरा देखो, ये 0 से π, 0 से π, यहां तो ये पॉजिटिव है, इसमें भी ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, साइन टू एक्स इज पॉजिटिव फॉर टू एक्स बिलोंग्स टू 0 से π,
ये पॉजिटिव है, हेंस एफ डैश एक्स, जब साइन टू एक्स पॉजिटिव है ये निगेटिव होगा, इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक है निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इतना नोट करो, पहले आप मिटाऊंगा मैं, थोड़ा साइन थ्री एक्स वाला गड़बड़ है, कॉस थ्री एक्स वाला, इसको मिटा दे रहा हूं। एफ एक्स बराबर कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। अब यहां जीरो से पाई है, तीन का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, जीरो से थ्री पाई बाई टू। मतलब यहां देखो, पहले जीरो से थ्री पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू है, यहां पाँच टू, यहां पाँच टू, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव। आप लिखेंगे साइन एक्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव फॉर साइन थ्री एक्स है यार, साइन थ्री एक्स इज पॉजिटिव फॉर थ्री एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, हेंस एफ डैश एक्स इज निगेटिव, इज निगेटिव, हेंस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। ये फिर देखो, पाई से थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री एक्स इज निगेटिव, यहां जो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, इज निगेटिव फॉर थ्री एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल पाई थ्री पाई बाई टू, ठीक है। पाई से पाई और थ्री पाई बाई टू के बीच में क्या है, ये निगेटिव है, हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर थ्री एक्स बिलोंग्स टू पाई थ्री पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो, अब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है, जरा देखिए, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यहां पर क्या हो रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन एक ही साथ इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर अब तो दो हो गया ना, जीरो से थ्री पाई बाई टू, जीरो से थ्री पाई बाई टू, नहीं सॉरी सॉरी हाँ यहाँ तो जीरो था ना, जीरो से पाई बाई टू था तो पाई कर लिए थे, थ्री ओहो थ्री पाई बाई टू,
नहीं जी, हाँ जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई नहीं तो क्या तरफ हो रहा था, ये इंक्रीजिंग था ये, ठीक ठीक। तो अब ये तो न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और न ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चौथा देखते हैं हम आपका डी देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टैन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब इस इंटरवल में एक्स है तो जीरो से पाई बाय टू लेंगे, तो जीरो से पाई बाय टू में सेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, सेक एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो, बिटवीन जीरो एंड पाई बाय टू, ठीक है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, तब तो आप आंसर लिख लेंगे, हेंस, दिख रहा है कि नहीं भाई, हेंस क्या लिखेंगे, अब उसको मिटा दे रहा हूं, उसकी जरूरत समाप्त हो गई, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डी में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आपका ये 12वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 13वें के लिए। चलो भाई भगवान भरोसे 13वां क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग ना। तेरहवा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एच पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पता है 100 एक्स पावर 99 साइन एक्स का कॉस एक्स इसका जीरो हो जाएगा। कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जीरो से वन के बीच में, मतलब किसमें है जीरो से वन के बीच में, कि पाई बाय टू से पाई के बीच में, कि जीरो से पाई पाई टू के बीच में, कि इसमें से कोई नहीं है। इसमें इसमें चार आंसर दिया हुआ है, चार इंटरवल दिए हुए हैं, कोई एक इंटरवल ऐसा है जिसमें फंक्शन ऑफ का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, चार विकल्प दिए हुए हैं बेटा। तो हम अब हम पहला चेक करते हैं, पहला ए चेक करते हैं, क्या है ये, जीरो वन है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन जीरो है और ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जीरो से लेकर के वन तक है, जीरो से लेकर के वन तक है, इसमें हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि लेट लेट एक्स इक्वल टू वन अपान टू ले लेता हूं, लेट एक्स इक्वल टू वन अपान टू ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा तो 100 एक्स पावर 99, 100 एक्स पावर 99 क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं बोलो क्या, पॉजिटिव होगा तो हाँ पॉजिटिव होगा। अब बात आती है कॉस एक्स की, कॉस एक्स की बात आती है, अब कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा जरा आप बताइए, अगर हम एक्स बराबर वन अपान टू रखते हैं, यानी कॉस वन अपान टू इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू के लिए हमको क्या देखना होगा, ये होता है इससे ये लॉग की सारणी होती है ना, वैसे ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारणी होती है,
और इसमें थोड़ा सा यही नहीं दिया है कि कास हाफ का मान कितना होता है, कास हाफ का मान कितना होता है। देखो अगर हम जीरो से पाई बाय टू के बीच में लेते हैं तो कॉस क्या होता है पाई बाय टू। जरा देखो जीरो इसको 3.14/2 लेता हूँ, दो ध्यान देना पहली बात को, क्या होगा जीरो दो एक बना दो 1.7 सॉरी दो क्या 1/2 लिया है हमने ना, एक बटा दो लिया है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा सॉरी इसको हमने संख्या के रूप में कर लिया, कितना संख्या के रूप में कर लिया, जो जीरो से पाई बाय टू है इसका हमने संख्यात्मक मान ले लिया, रेडियन छोड़ दिया, ठीक है भाई सारणी नहीं दी गई तो हम करें क्या। अब हम इसकी जगह 1/2 ले लें, क्या करें यार, हाँ बेटा कॉस एक्स के बारे में ऐसा लेते हैं जो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो यहाँ 1 से यहाँ तो 0 होगा, ठीक है कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 के बीच में होती है, यानी जो अब हमारा इंटरवल है अगर इसका मान वन एक्स का मान 1 और 0 के बीच मिलेंगे, 1 और 0 के बीच मिलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मैं ये अपना सोच के बता रहा हूँ, टेबल खोजा पाया नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया बराबर पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जबकि हमको खोजना क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर बी लेता हूं मैं, बी क्या है आपका बी है पाई बाय टू टू पाई, आप देखो बी जरा देखो एफ डैश एक्स यही ना, यस जगह चाहे पाई रखो चाहे मतलब पाई बाय टू और पाई के बीच में कुछ भी रखो तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ तो निगेटिव तो है नहीं, कोई संख्या पावर विषम है इसीलिए माइनस ऋणात्मक होगा तो पॉजिटिव ही तो आ रहा है, तो बी में ए 100 एक्स पावर 99 बराबर क्या होगा पॉजिटिव। और इसमें देखो इसमें पाई बाय टू टू पाई इसमें कॉस क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, ध्यान पाए कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है कॉस क्या होता है निगेटिव, तो जो ये आपका कॉस एक्स है इज इक्वल टू निगेटिव ये तो पॉजिटिव है ये तो क्या है निगेटिव है। अब समस्या इस बात की है यहां पर 13वां क्वेश्चन है ना कि क्या दोनों की वैल्यू समान होंगी, नहीं दोनों के वैल्यू समान नहीं होंगे, बात समझ रहे हैं ना, जैसे अगर हमने ले लिया 100
पाई बाय टू से पाई के बीच में, पाई बाय टू से पाई के बीच में, पाई बाय टू टू पाई अपान वन, क्या होगा ये? मतलब कि 10.5 पाई और पाई, 10.6 पाई ले लिया हमने, 10.7 पाई ले लिया हमने, कुछ भी ले लोगे इसका मान एक से ज्यादा ही आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब कॉस एक्स का मान जो है -1 से कम हो नहीं सकता, -1 से कम हो नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये -2 नहीं हो सकता, -1.1 नहीं हो सकता। इसीलिए 100 जो मेरा दिमाग का काम कर रहा, 100 एक्स पावर 99 प्लस कॉस एक्स जो होगा दैट विल बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो बड़ा है ही। देखिए जो इसे हमारा कहे +2 आया, इसकी वैल्यू सपोज करो, इसकी वैल्यू सपोज करो -0.5 आया सपोज करो, तो क्या हुआ? अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हुआ? 1.5 हुआ, पॉजिटिव है ना। तो इतना हम कह सकते हैं कि जब हम एफ डैस एक्स बराबर ये जो 100 एक्स पावर 99 प्लस जो कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी, इट विल बी व्हाट? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एफ डैस एक्स क्या हो गया? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब हम सी पावर देखते हैं, क्या सी पावर? सी देखते हैं बेटा, सी 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू सी वाला देखते हैं, ठीक है। जब 0 से पाई बाई टू लेंगे तो कॉस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए 100 एक्स पावर 99 इज इक्वल टू पॉजिटिव, कॉस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। स्ट्रिक्टली क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ, ठीक। अब डी दिया नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। वास्तव में ए पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बी पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सी पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो हमको मिला नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब आगे भी कोई नहीं, क्योंकि हमको कल क्वेश्चन नंबर 13 से हमको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हे प्रभु भोलेनाथ कल्याण करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।